स्टेफनी सेंटक्लेयर एक अफ्रीकन डिसन की महिला गैंगस्टर थी। स्टेफनी 1920 में सालाना $20,000 की कमाई करती थी। स्टेफनी को ब्लैक कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए भी जाना जाता है। स्टेफनी हालम के ब्लैक लोगों को उनके लीगल राइट्स, वोटिंग राइट्स और ब्लैक लोगों पे पुलिस द्वारा किए जा रहे इनजस्टिस को लेकर लोकल न्यूज़पेपर्स में एड भी पब्लिश करवाती थी ताकि हालम के लोगों को इन सब के बारे में पता चल सके। स्टेफनी ने बहुत बार पुलिस द्वारा किए जा रहे इनजस्टिस के खिलाफ लोकल अथॉरिटीज को कम्प्लेन की थी। जब अथॉरिटीज ने इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया तो स्टेफनी ने सीनियर पुलिस ऑफिसर्स पे करप्शन का आरोप लगाते हुए हालम के न्यूज़पेपर में आज छपवा दिए। अल्कोहल पे से जब प्रोहिबिशन का बैन हटा तो जो लोग अल्कोहल की ब्लैक मार्केटिंग करके पैसा कमा रहे थे उन्हें अपना मुनाफे में कमाई दिखने लगी थी। इसमें ज्यूइश और इटालियन अमेरिकन क्राइम फैमिलीज भी शामिल थी। माफियाज ने मुनाफे में कमी होने की वजह से हालम के गैम्बलिंग में शामिल होने का फैसला किया। इन सब में डच शुल्स पहला मॉबस्टर था जो हार्लेम की गैम्बलिंग में जबरदस्ती शामिल हुआ और पैसे ना देने पे नंबर गेम ऑपरेटर्स को मारने लगा। स्टेफनी और उसका सहयोगी बम्पी जॉनसन पुलिस द्वारा मिल रहे धमकियों के बावजूद डच को पैसे देने से साफ इनकार कर देते हैं। स्टेफनी ने शुल्स को सबक सिखाने के लिए पुलिस को उसके आदमियों द्वारा चलाए जा रहे इलीगल बिजनेस की दुकानों की जानकारी दे दी। इसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने शुल्स के घर पे रेड डाली जिसमें कई एम्प्लॉयज को जहां अरेस्ट कर लिया गया वहीं $190 मिलियन पुलिस द्वारा सीज किए गए थे। शुल्स ने हुए इस मामले के बाद सेंट क्लेयर को क्राइम से हटकर पुलिस से अपनी दूरी बनाए रखनी पड़ी, इसीलिए उसने अपने क्रिमिनल बिजनेस को अपने सहयोगी बम्पी जॉनसन को सौंप दिया था। इसके बाद बम्पी ने लकी लुचियानो के साथ डील फिक्स की जिसमें लकी ने शुल्स की जगह ले ली और डील के अकॉर्डिंग इसका थोड़ा पोर्शन बम्पी जॉनसन को भी दिया गया। इसी वजह से जब भी इटालियंस को हालम में कोई दिक्कत होती थी तो वो सीधे बम्पी के पास जाते थे। 1940 का वो दौर था जब बम्पी हालम का रेनिंग किंग बन गया था और वहीं स्टेफनी नंबर गेम में बहुत कम शामिल होने लगी। 1940 का वो दौर था जब स्टेफनी का कैरेक्टर काफी बदल चुका था। वो अब माफिया से एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बन चुकी थी। इन सब के बाद भी स्टेफनी लोकल न्यूज़पेपर के कॉलम में डिस्क्रिमिनेशन और पुलिस द्वारा किए जा रहे अन्याय के खिलाफ लिखती रही। स्टेफनी की मौत एक अमीर महिला के रूप में उसके 73वें बर्थडे से पहले ही हो गई थी, लेकिन उसकी मौत को लेकर कोई ऑफिशियल डेट आज तक डिस्क्लोज नहीं हुई है। तो दोस्तों ये थी फीमेल गैंगस्टर स्टेफनी की कहानी। केजीएस3 में भी आगे जाकर किसी फीमेल गैंगस्टर की एंट्री हो सकती है जो रॉकी जितनी ही पावरफुल होगी, और क्योंकि रीना की मौत KGF2 में हो गई है इसी वजह से एक फीमेल गैंगस्टर रॉकी की नई लव इंटरेस्ट बनकर उभर सकती है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है इस वर्म में। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है ख्याति।